एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज निगार और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ न्यूट्री ग्लो स्किन वाइटनिंग ब्लीच क्रीम का ऑनेस्ट रिव्यू और लाइव डेमो रिजल्ट शेयर कर रही हूं। भाई, अगर आप भी फेस्टिव सीजन में पार्लर जाकर फेशियल ब्लीच नहीं करा रही हैं और घर पर ही फेशियल ब्लीच कर रही हैं, तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको लाइव डेमो रिजल्ट दिखाने वाली हूँ इस न्यूट्री ग्लो स्किन वाइटनिंग ब्लीच क्रीम का। इससे पहले भी मैंने आपके साथ न्यूट्री ग्लो के कई प्रोडक्ट के रिव्यू शेयर किए थे, जो आप लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किए और बहुत सारे व्यूज इस वीडियो पे मिले। तो आई होप कि गाइस ये वीडियो भी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है आप सबको। तो ढेर सारे त्योहार आ रहे हैं गाइस, इसमें हम फेशियल और ब्लीच जरूर कराते हैं। इस तरह में करवा चौथ भी आने वाला है, तो अगर आप भी घर पर ही फेशियल और ब्लीच करा रही है तो इस वाली ब्लीच को आपको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया है और ये किस तरह की है, ये किस तरह की रिजल्ट आपको देगी, ये सब आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो आई होप कि गाइस बाकी के वीडियोस की तरह आपको मेरा ये वाला वीडियो भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर मिलते हैं बेस्ट DIYs होम रेमेडीज के अलावा ऑनेस्ट प्रोडक्ट रिव्यू के वीडियो, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। लेट गेट स्टार्ट द वीडियो और देख लेते हैं न्यूट्री ग्लो स्किन व्हाइटनिंग क्रीम ब्लीच का ऑनेस्ट रिव्यू। तो ये है गाइस न्यूट्री ग्लो स्किन वाइटनिंग ब्लीच क्रीम विद स्किन वाइटनिंग एक्टिव्स विटामिन ई एंड रेटिनॉइड्स। और इस जगह पे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये क्रीम 100% नेचुरल है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये नेचुरल है 100%, और नेचुरल चीज़ों को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। तो ये 100% नेचुरल क्रीम है गाइस। की इंग्रेडिएंट्स की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे ब्लीच क्रीम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑरेंज ऑयल, विटामिन ई और एसीटेट लिक्विड इसमें मिला हुआ है। तो गाइस इसमें इंग्रेडिएंट्स जो दिए हुए हैं, ऑरेंज ऑयल और विटामिन ई, ये दोनों ही हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ऑरेंज ऑयल से हमारी स्किन को ग्लो और शाइन मिलती है, इंस्टेंट नेचुरल ग्लो हमारे फेस पे नज़र आता है। और विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, स्किन टोन को इवन करने के साथ साथ हमारी स्किन को ये एजलेस भी दिखाता है। तो ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स मुझे अच्छे लगे इस क्रीम में। और अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि कितनी क्वांटिटी इस क्रीम की हमें मिलती है। तो ये गाइस यहाँ पे 43 ग्राम हमें मिलती है ये क्रीम, जिसमें से 35 ग्राम क्रीम है और 8 ग्राम हमें इसमें एक्टिवेटर मिलता है। तो दोनों को मिलाकर 43 ग्राम ये क्रीम हमको मिलती है। पैकेजिंग इसकी मुझे अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी है। अब मैं बताती हूँ इसका प्राइस क्या है। प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है 99 रुपीज़ गाइस, और मैंने फ्लिपकार्ट से इसको बाय किया है 99 रुपीज़ का। तो यहाँ पे गाइस इन्होंने अपना कस्टमर केयर नंबर भी दिया हुआ है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इनसे तो इस नंबर पे आप फ्री कॉल करके इनसे बात भी कर सकते हैं। और अब मैं बात करती हूँ इसकी बेस्ट बिफोर की, तो यानी कितने दिनों तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट बिफोर 18 मंथ दिया हुआ है, यानी कि 18 महीनों तक इस क्रीम को आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे प्रिकॉशन में दिया हुआ है कि इस क्रीम को यूज़ करने से पहले आप एक बार अपना पैश टेस्ट ज़रूर कर लें। बहुत सारे लोगों को एलर्जी भी हो जाती है, तो अगर आपको हल्की इरिटेशन महसूस हो रही है इस क्रीम को पैच टेस्ट करने के बाद, तो आप इसको कर सकती हैं अप्लाई। और अगर आपकी स्किन रेडनेस लेकर आती है या फिर जलन और खुजली होती है, तो इस क्रीम का आप यूज़ ना करें। और वैसे तो गाइज मुझे ये अच्छी लग रही है देखने में। चलिए मैं अब लाइव डेमो रिजल्ट दिखाती हूँ इस ब्लीच क्रीम को यूज़ करके, कि ये ब्लीच क्रीम हमें किस तरह से कितनी क्वांटिटी में लेनी है और किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। चलिए देखते हैं कि ये किस तरह का ग्लो और शाइन लेकर आती है हमारे फेस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइव रिजल्ट डेमो। तो गाइस इस ब्लीच क्रीम को मैं अपने फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ और आपको लाइव डेमो रिजल्ट दिखाऊंगी मैं, और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी इस ब्लीच क्रीम का कि वाकई ये वर्किंग है या नहीं है, वर्क करती है या नहीं करती है, या फेस पे किस तरह का ग्लो नज़र आता है आपके। तो ये सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए थोड़ी सी पहले मैं क्रीम उतनी ही क्वांटिटी ले रही हूँ यहाँ पे, जितना मेरा फेस और नेक के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे इतनी क्रीम ले ली है गाइस, और मैं यहाँ पे इस एक्टिवेटर का जो इसमें दिया हुआ है कि कितना आपको मिक्स करना है, तो एक्टिवेटर का 5.1 दिया हुआ है इसमें कि आपको इतना ही एक्टिवेटर इसमें मिक्स कर लेना है। तो गाइस दोनों ही चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस क्रीम में, एक्टिवेटर को इतना आपको, ताकि अच्छे से डिसॉल्व हो जाए और ये घुल जाए मतलब इस क्रीम में। तो 2 से 3 मिनट तक आप अच्छी तरह से स्पून की हेल्प से इसको मिक्स कीजिए, ताकि जो एक्टिवेटर में छोटे छोटे से दाने होते हैं, ये इस क्रीम में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए। तो आप देख सकती हैं ब्लीच क्रीम हमारी तैयार है। मैं
अपने इस फेस पे इसको अप्लाई करूंगी गाइज। अच्छे तरह से मैं इसको अपने फेस पे लगा रही हूँ। आईज एरिया को और माउथ एरिया को आपको अवॉइड करना है, उसके चारों तरफ आपको नहीं लगाना है। और पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं इसको अपने नेक पे भी अप्लाई कर रही हूँ, ताकि हमारा फेस और नेक दोनों ही बिल्कुल इक्वल लगे और दोनों का ही कलर और टैनिंग बिल्कुल रिमूव हो जाए और कलर इम्प्रूव हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इस ब्लीच क्रीम को अप्लाई कर लिया गाइस। 15 मिनट तक ही हमें इसको अपने फेस पे रखे रहना है। हल्का सा स्पैचुला से आप लास्ट में देख सकती हैं 15 मिनट बाद कि आपके फेशियल हेयर जो हैं वो लाइट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हुए हैं तो फिर से इस क्रीम को 5 मिनट तक आप और रख सकती हैं, क्योंकि सिर्फ 15 से 20 मिनट तक ही हम क्रीम को रखते हैं। ब्लीच क्रीम स्पेशली जब हम करते हैं अपने चेहरे पे तो उसका टाइमिंग होती है कि 15 से 20 मिनट तक ही आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करें, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे 10 मिनट बाद हल्का सा बबलिंग सा हो गया होगा, छोटे छोटे से बबल्स आ गए होंगे ब्लीच क्रीम के ऊपर, तो हल्का से इसको स्प्रेड करना है आपको और फिर से 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। तो गाइस 15 मिनट हो गए हैं और अब इस क्रीम को मैं वॉश करने वाली हूँ। तो सबसे पहले कॉटन की हेल्प से मैं पूरे फेस से अच्छी तरह से इस ब्लीच क्रीम को उतार लूँगी और देखूँगी कि किस तरह का रिजल्ट आया है। और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू मैं दूँगी आपको, क्योंकि भाई इस वक्त हम लोग पार्लर नहीं जा पा रहे हैं, कि कोरोना की वजह से डर भी है, घर पे फेस्टिव सीजन आ रहा है। तो आप किस तरह से ब्लीच और फेशियल घर पर कर सकती हैं, अगर आपको फेशियल का वीडियो देखना है तो वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं फेशियल का वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने अपनी क्रीम को गाइस इस तरह से कॉटन की हेल्प से उतार लिया है। चलिए अब मैं अपने फेस को नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ इसका रिजल्ट। तो फेस को क्लीन करने के बाद गाइस ऑनेस्ट मेरा रिव्यू है कि ये क्रीम बहुत ज़्यादा बेस्ट है स्किन ग्लोइंग के लिए और स्किन की वाइटनिंग के लिए। आप खुद देख सकती हैं पहले का चेहरा मेरा और अब का चेहरा कितना ज़्यादा फ़र्क आपको दिख रहा होगा। इस क्रीम को यूज़ करने के बाद मैं 100% बिल्कुल 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 सेटिस्फाइड हूँ कि इस क्रीम से वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। और आप खुद देख सकती हैं चेहरे का ग्लो, चेहरे की डलनेस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुकी है और जो मेरे हल्के हल्के फेशियल हेयर थे वो भी बिल्कुल हाइड हो गए हैं। तो स्पेशली वो लोग इस क्रीम का ज़रूर यूज़ करें जो टैनिंग की प्रॉब्लम से परेशान है या फिर जिनके फेशियल हेयर हैं चेहरे पे उनके अगर अनचाहे बाल हैं तो उन्हें हाइड करने के लिए ये ब्लीच क्रीम आप ज़रूर यूज़ करें गाइस। बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे दिख रहा है अपने फेस पे, ग्लो भी दिख रहा है और इंस्टेंट वाइटनिंग रिजल्ट भी इस ब्लीच क्रीम से मुझे मिला है। तो ये वीडियो और ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू था मेरा गाइस इस वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो इसको एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा, रिजल्ट बिल्कुल अमेजिंग मिलेंगे आपको। मैंने खुद इसको फर्स्ट टाइम यूज किया है बट मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूं, 100% टोटली सेटिस्फाइड हूं मैं इस प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छी ब्लीच क्रीम है, इसका एक बार आप यूज जरूर करें। तो गिव अवे का मेरा आज का क्वेश्चन है गाइस कि इस क्रीम को मैंने कितने का बाय किया है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं और इस क्रीम की आपको कितनी क्वांटिटी मिलती है। तो आई होप कि इस वीडियो को आपने फुल देखा होगा। चैनल पर गिव अवे चल रहा है जिसमें मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछती हूँ। तो अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से बेस्ट DIYs होम रेमेडीज़ और ऑनेस्ट प्रोडक्ट रिव्यू के वीडियो मिलते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं और इस गिव अवे में आप भी पार्टिसिपेट करके एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।